लग गए हैं ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। जा तुम जैसे जी जाओ ना, माँ तो साड़ी इनका अपने आप मन लग जाता है। छोरी ये गांव का गंवार छोरा, जो चुप कर खड़ी मत रहे बकरे, थोड़ी दूर आ जा बकरे, इतके रही तो मेरे साइड इतने आ जा बकरे। हाँ रिया, कोई परेशानी तो नहीं आई ना? नहीं जी आजी। हाँ क्योंकि यार तुम शहर में रहती हो भाई, गांवड़े आदमी है हम तो क्या करें। अरे क्या जी आजी, कैसी बातें करते हो आप भी? अरे वो तेरी बहन बहुत सियाणी है, वो जब भी बुरा मानती है कोई बात का। आजा चल, आजा तू अम्मा जी कर यहाँ पे खूब आराम। रिया बहन आ गए तू? हाय दी, कैसी हो? हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ बहन। कोई परेशानी तो नहीं आई ना रिया बहन तुझे? ये तेरे जीजा जी तो बहुत ही अलग किस्म के आदमी है। अरे नहीं नहीं दीदी, नहीं आई मुझे तो कोई भी परेशानी। मेरे कोई ऐसा वो भला बुरा बोलती रहती है। अरे तू तो जीजू को ऐसे ही बोलती रहती है। ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मस्ती करते करते लाए हैं। अच्छा ज्यादा मस्ती तो नहीं कर ली ना तुम दोनों ने? नहीं दीदी। यार कैसी बातें बोलती है। अब चलो ना, चल यहीं रखेंगे क्या मेरी साली को? इसके बाल बाबरी देख कितनी अच्छी है। आटा आता है, मेरी बहन का हाथ मत लगा, दूर रह तू, मैं सब जानू तू कितनी ओछी सोच को आदमी। अरे तू तो हमेशा ही मेरे बारे में उल्टा सोचती है, मैं तो इतना प्यार करते हुए लाया था मेरी साली को तब भी। ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा। और सुन मेरी बात ध्यान से, यहाँ से गांव में ना बहुत हमारे आदमी है, सबसे बच के रहना ठीक है ना? ठीक है दीदी, तू चिंता मत कर, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। ठीक है चल बैठ। अरे मेरी साली तो यहीं लेट रही है। अरे रिया कैसे लेट रही है? अरे रिया खाना वाना खाया कि नहीं खाया? जी जी मैंने खाना तो खा लिया। अच्छा अच्छा। अरे रिया मैं भी बैठ जाऊं क्या तेरे पास? हाँ हाँ बैठ जाओ ना जी जी। अरे आज मैं नहाया और नहीं हूँ क्या? आप शहर की हो ना? अरे नहीं नहीं जी जी, ऐसी कोई बात नहीं। नो 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 नो, मैंने तो यूँ सुना है कि लोग बाग बोलते हैं कि साली तो आधी घरवाली होती है। अरे जिया जी आधी क्या, मैं तो पूरी बनने के लिए तैयार हूँ। सही में अरे बहन की चिंता क्यों करते हो, वो तो ऐसी ही है। अच्छा ये तो तूने सही बोला, मैं तुम्हारे गांव में भी तेरे लिए ही जाता हूँ, मैं उसके लिए तो जाता भी नहीं। अच्छा तेरा मन तो लग गया है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? चाह तुम जैसे जी जाओ ना, माँ तो साड़ी इनका अपने आप मन लग जाता है। अरे अब मैंने क्या कर दिया जो तू मेरे से अब भी ऐसे बोल रही है? अरे हम रहते हैं ना वापस तो सबका ही मन लगता है, सालियों का क्या, लेकिन एक तू ही ऐसी है जिसका मन नहीं लग रहा बस मेरे पास। हो गया तुम्हारा? ये मेरे झुमके गिर गए थे तो इसको फेरा देना जरा। अरे मेरे से नहीं पहना खाएंगे तेरे ये झुमके, ये तेरी बहन से ही पहनवा ना, तेरी बहन के तो पहना देता मैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है अब? अरे दीदी आप भी कैसे बातें कर रहे हो, जिया जी तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। अच्छा तुझे पता है कि मुझे पता है इनके बारे में? ये तो ऐसे ही करेगी, मुझे पता है ना, इसके पास तो बैठना भी गुनाह हो रहा है, तू बैठ गया। क्या दीदी आपने भी जिया जी को गुस्सा कर दिया, कितनी अच्छी बातें कर रहे थे हम दोनों। लगता है तुझे मैं जल्दी ही भगाऊंगी यहाँ से, तेरा जल्दी टिकट कटेगा। जिया जी की चमची मानेगी ये तो। सुन रिया खड़ी हो, खड़ी हो, फोन रख दे। चल तुझे भैंसों के बारे में बताती हूँ, आज भैंसों का काम के बारे में बहुत आजकल ज्यादा ही हो रहे है, भैंस बताऊंगी तुझे। कहाँ ले जा रही ऐसे खींच खींच के ला रही, और पैरों में ना पत्थर और चुभ रहे हैं, चप्पल भी नहीं पहनने दी तूने तो। ओ पगली ये गांव है गांव, यहाँ तो पत्थर भी चुभेंगे और कांटे भी चुभेंगे, और रोएगी भी तू, नाक भी साफ करेगी फिर भी घर का काम करेगी। चल इधर, जब भी तो उसे बोलती हूँ अच्छे से फड़ा कर नौकरी लग जा, लेकिन तू तो नहीं यहाँ आई है मेरी तरह ना, यही है गांव में गोबर ही उठाई। चल आ तुझे सिखाती हूँ मैं भैंस का काम, अब है ना गोबर उठा ले, ये गोबर फड़ा है। चल दीदी मुझे बदबू आ रही है। ओ महारानी ये बदबू फदबू ने छोड़ दे, और गोबर को उठा ले, मैं तो आतन से भरर पटकू। दीदी मुझे उल्टी हो जाएगी, तू भी कहाँ पर लेके आ गई भैंसों के बीच में, तू चल यहाँ से मेरे साथ। ओए रिया ज्यादा हीरोइनी मत बने, या मैं भी उठाती हूँ गोबर, तू भी उठा। चल सुन रिया
अगर ऐसे नहीं उठाती ना तुझे बदबू आती है तो मैं तेरी लैंग्वेज में बोल के बताती हूँ, ठीक है? इंग्लिश बोलूंगी, थोड़ी सी आती है मुझे, ठीक है रिया? अब ध्यान से सुन, दिस इज ए ठाडा पोटा। क्या है ये? दिस इज ए ठाडा पोटा। नहीं दीदी, दिस ये है पतला पोटा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? दिस इज द पतला पोटा। ये भगवान, इंग्लिश मचार सुन ले तेरी इंग्लिश दादागिरी। खड़ी हो बे, मार तो गोबर खेली है, भरफराती में घुड़ा में फट गया। खड़ी हो जा रही। अरे भाभी, ये पटाखा कहाँ से ले आई? ये कहाँ से आई है? ये फटाका वटाका कुछ भी नहीं है, ये मेरी बहन है और इससे ना दूर ही रहना। लेकिन तुम तो मना करती थी ना कि मेरे कोई बहन ही नहीं है, कहाँ से शादी कराऊं तेरी? अब ये कहाँ से आ गई? मेरे तो इससे पीले पांव करवा दो। सुने, ये तो फड़ी लिखी है शहर की, तू तो गांव का गंवार है। सारे दिन तो क्रिकेट खेलते डोले, पता नहीं खखा डोले। फड़ ले को लिख ले को तो तेरे भी सुंदर सी बहू ले आऊंगी, या किसी ले आऊंगी, पर मैं या की शादी तोसु को कराऊं। मैं मोह में काई कमी है, मैं भी तो लंबा पूरा हूँ 7 फुट को। मेरी मम्मी तो डोलवा भी ना दे, नजर लग जाएगी उस मेरी मम्मी तो डोलवा भी ना दे मोकू। घड़ो सुतरा है, अब जा आसू, मेरी बहन से तो दूर रह। आ जा रिया, जा तू मत चुप कर खड़ी। तेरी बहन को तय कर राखना चाहे सी छो छोरी, ये गांव का गंवार छोरा जो चुप कर खड़ी मत रह बकरे। थोड़ी दूर आ जा बकरे, इतने रही तो मेरे साइड इतने आ जा बकरे, तेरे कोई शर्म ही ना आए। अरे भाई भाई, अरे दिन में भी खाया सोवे का है, रात में जगियो की। अरे कहीं आयो लंबू भाई? अरे वो तो थोड़ी सी आंख सी लगी रहे ना, मेरी धोती को तो मत फाड़े, काई दोई टूक कर दिया तूने। अरे तो फैला ही फाटी फाड़ी मेरे सिर क्यों लगा हुआ है को? अरे तुम वो बता लंबू दादा, तू कहीं आयो, काई बात होगी? अरे भाई मैं तो जस आयो तुम्हारे घर, मैडम आई बताई। उनकी मैडम है तो सुकून ने कह दी मैडम आई। अरे मैंने सुनी है मैडम आई बताई, तुम्हारे घर वाको देखवा के लिए आयो। तो सुकून ने कह दी मैडम आई हमारे घर, गांव में सुनी मैंने तो। ओ अब तो सारा गांव मान लोगो हमारे घर मैडम आई है। हैं मैडम काई की? मेरी साली है वा। तो तेरी साली है वा? अच्छे अच्छे भाई मोक पतो ना हो। अरे तू सही तो बैठ जाइए, इसको तोड़ेगो की दादा? अरे तो इतना बहुत खाए मामा जे, इस टूटेगी और क्या। तो मैं ताली बोझी ना, तू तो पावर कोई है। यू बोल रही हूँ, सारा दिन सोता ही सोता रहेगा, या तो खाटे तोड़वा को काम करी और इसे यहाँ ठाला को और बैठा रखो ना। अच्छो तो कुछ मैं सातगढ़ी बैठू हुआ, मैं भी ठालो ही बैठो लगू है। तो कुछ मैं ईशा बुरो लगू, जिसे वो बूढ़ा आदमी को वो पेंशन नहीं मिले ना, फिर वो घर में बैठे बुरो लगे, उसे बुरो लगवा लगू अब तो मैं। आपका जो काम भी कर लियो खड़ा हो रहे। तुम उसे सारा दिन का ही काम करवा बताओ, सारा काम को तो कर मैं यहाँ बैठी हूँ और सब चीजें तो रह पाते। याद है क्या बूटो के ताक रहे मेरे बुना को पीस के आने को देख रहे हो जब सू पटेल? तू या कोई शक है देख रहे? थोड़ा बहुत तो शर्मा उम्र को तो ले आज रख ले कम से कम। अरे भाभी तेरी बहन है किया, या तो बहुत सुंदर है, मेरा ब्याह करा दे। अरे बूढ़ा, तेरी ये खेती को तो ख्याल कर ले, तेरी उम्र दी का ब्याह कर बाकी, और तेरी भाभी खांसू लगू मैं, बहु लगू मैं तो घूंघट काटू तसु। अरे मैं तो गांव को वो बैल होगो जो की कोई पूछी ना करे। जासू ही भगा दे भाई मोकू, कभी वासु भगा दे कभी वासु आयो तो यहाँ भगा दियो मोह। अरे तो तू काम ही शो क्यों करे, तेरी उम्र की तो देख तो कम से कम, तेरी भाभी लगे किया और अब तेरी उम्र की शादी कर। अरे तो मैं तो डाई वाई कर फैशन कर रहा है, मन की खाए पता वक्त 450 मेरे ब्याह हो जाए। धोती फेरवा की उम्र में तो ये जींस पहन है, अब तो उसे धोती तो उठेगी ना है। थमी लगावी से तरह तरह कान कुटी है, निकालो घर से बाहर। अरे तू मुंह कोर लड़वाए को पटेल जा रहे जा तू। ला भाई मैं तो चल जाऊंगा भाई, आई बात है तो चले।